पहले हमें सबसे पहले पता होना चाहिए अब क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है क्या है पहली बात ये जानना चाहिए। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें मिला x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडरस्कोर रूट ये आर द डिस्क्रिमिनेंट ओके बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए दिस इज द फार्मूला ऑफ क्वाड्रेटिक फार्मूला बट इन द प्लेस ऑफ x वी आर यूज बेटा अल्फा एंड बीटा क्योंकि बेटा अल्फा और बीटा हम क्यों यूज करने वाले हैं यहाँ पर आ गया प्लस पर यहाँ पर आ गया माइनस ये फॉर्मूले को कितनी बार लिखेंगे दो बार तो एक बार हम इसको अल्फा से लिखेंगे एक बार हम इसे कैसे लिखेंगे बीटा से लिखेंगे समझ आ गया तो देयर आर द टू जीरो देयर आर द टू जीरो फर्स्ट वन बेटा अल्फा एंड सेकंड वन बेटा बीटा नाउ लेट अल्फा एंड बीटा आर टू जीरो ये दो जीरो मैंने मान लिया अल्फा और बीटा। अब सबसे पहले क्या करना है वी आर राइट द क्वाड्रेटिक फार्मूला तो क्वाड्रेटिक फार्मूला क्या हमारे हमें अल्फा इज इक्वल टू जहाँ पर हमें एक्स के ऊपर करेंगे अल्फा माइनस बी प्लस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये अल्फा के लिए मान लेंगे और यही फार्मूला जो हमने दो बार लिखे थे एक बार मान लेंगे उसे बीटा में ओके माइनस बी माइनस देखिए स्टूडेंट यहाँ प्लस था उसके नीचे क्या था माइनस यहाँ पर माइनस था हमने क्या करें माइनस को सेपरेट में लिखे वही फार्मूला सेम बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए नाउ दैट कैन यू सी बेटा दैट नाउ दिस इज द प्लस दिस इज द माइनस रिमेनिंग फार्मूलाज आर द सेम ओके अब सबसे पहले हमें देखना है सम क्या करना है सम ऑफ द जीरो यानी सम हमें जब निकालना है टॉपिक देने बेटा सम सम ऑफ द जीरो एडिशन करनी है तो दो जीरो को देख अल्फा है और एक दूसरा बीटा है तो हम क्या करेंगे देखिए स्टूडेंट उसकी सम करेंगे अल्फा प्लस बीटा अब इसके ऊपर वैल्यू क्या करेंगे पुट करेंगे तो अल्फा कितना है मेरे पास में अल्फा कितना है देखिए सर माइनस बी प्लस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ये मैंने अल्फा के ऊपर इससे पुट कर दिया हमने क्या है प्लस हम इन दोनों की सम कर लेंगे बेटा है अब बीटा कितना है ये बीटा यहाँ पर लिखिए बेटा उसको ब्रैकेट में लिखता बेटा माइनस बी माइनस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए ब्रैकेट ओके अब देखिए बेटा सेम है माइनस बी प्लस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी मैंने आई डी टाइप कर लिया इनटू अपॉन टू ए अब देखो प्लस माइनस माइनस और बाकी क्या है माइनस बी अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू ए अगर आपने नीचे ऑब्जर्व देखे तो डिनोमिनेटर सेम है और जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम इसको लिखवा लिखते एक बार राइट करते हैं तो देखिए स्टूडेंट्स ऊपर लिखो मैं माइनस बी प्लस अंडर स्क्वायर रूट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी माइनस बी माइनस पूरा एक बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन ये दोनों सेम है एक बार जीरो से टू ए इतना समझ आ गया अगर आप ऑब्जर्व करें देखिए सर ये प्लस की कमी इतनी देखो और ये माइनस की कमी तो प्लस माइनस कैंसिल हो गया आगे सुन में बचा क्या मैंने देखो ये नीचे बेटा देखो अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा अल्फा प्लस बीटा ओके अब देखिए बचा क्या बेटा मैंने माइनस बी रह क्या बचा माइनस बी अपॉन टू ए हम देखिए बेटा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या होता है कितने भी है तो माइनस दो बार आया तो दो बार होगा ये और लिखो बेटा टू बी अपॉन ये आएगा बेटा टू ए क्या कैंसिल हो जाएगा टू टू कैंसिल हो जाएगा ए बी को मैं इस तरह लिख दूंगा बेटा ठीक है नो प्रॉब्लम इधर बेटा अल्फा प्लस बीटा क्या है बेटा माइनस बी अपॉन ए इज द फॉर्मूला ऑफ बेटा सम ऑफ जीरो इसे क्या कहते हैं सम ऑफ जीरो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया ना बट डोंट बी आस्किंग इन द सीबीएसई सीबीएसई इसको ये पूछती है कि इसको प्रूव करो लेकिन बना कैसा ये आपको पता होना चाहिए ये सबसे आई होप यू अंडरस्टैंड राइट नाउ